किसानों और सरकार के बीच एक और दौर की जो वार्ता थी वो खत्म हो गई है और सरकार की तरफ से एक नया प्रपोजल जो है वो किसानों को दिया गया है। एक चीज और भी है, जब वार्ता हुई किसानों और सरकार के बीच में तो कर्ज माफी को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो सामने नहीं आया है। साथ ही साथ किसानों की पेंशन को लेकर भी जो बात की जा रही थी उसको लेकर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे कि 3 घंटे से भी ज्यादा लंबी वार्ता चली और ये चौथे दौर की वार्ता थी, लेकिन अभी कोई कंक्लूसिव रिजल्ट इसमें नहीं आया है। सरकार की तरफ से पीयूष गोयल जो थे वो सामने आए और उन्होंने कहा कि किसानों को एक प्रपोजल दिया गया। इस प्रपोजल के तहत जो सरकार की कुछ एजेंसीज है, चाहे नेफेड की बात कर लें, NCCF की जो बात की जाए, वो जो है वो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये 5 सालों के लिए होगा, साथ ही साथ कुछ फसलों के लिए होगा, जैसे कि कॉटन की हम बात कर लें, यानी कपास की हम बात कर लें, मक्का की हम बात कर लें, और कुछ दालों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसको लेकर जो किसान है, पंजाब के जो किसान है, वो नेफेड के साथ, NCCF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये लीगली इसको प्रमाणित किया जाएगा कि MSP की दर पर प्रोडक्ट जो है वो खरीदा जाएगा किसानों का। सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए कोई क्वांटिटी भी नहीं होगी। अब सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि ये किसानों को डिसाइड करना है, यानी कि गेंद जो है वो किसानों के पाले में सरकार ने डाल दी। इसके बाद किसानों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी सामने आए और किसानों के प्रतिनिधियों का भी ये साफ तौर पर कहना था कि वो विचार विमर्श करेंगे अपने साथियों के साथ, कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी वो राय लेंगे, तो इसके लिए उनको थोड़ा समय चाहिए। साथ ही साथ किसानों का ये भी कहना है कि दिल्ली कूच का जो प्लान है वो स्टैंड बाय पर रखा गया है, यानी कि अगर किसान प्रतिनिधियों में और किसानों का जो दायरा है उसमें सहमति बन जाती है सरकार के प्रोस्पेक्ट को लेकर, सरकार के प्लान को लेकर, तो फिर वो अपनी जो बात है वो सरकार को बता देंगे। लेकिन अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर वो सरकार से आग्रह करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि उनको शांतिपूर्वक मार्च करने दिया जाए दिल्ली तक के लिए, यानी कि स्टैंड बाय उन्होंने प्लान रखा हुआ है अपना दिल्ली तक का। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा, जो किसान हैं वो अपने साथियों से, बाकी जो उनके साथ संघ जुड़े हुए उनके साथ चर्चा करेंगे, इसके लिए भी उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा है। वहीं सरकार का भी ये कहना है कि वो दिल्ली जाकर अगर किसान उनको बता देते हैं अपनी मंशा तो वो दिल्ली जाएंगे और वो भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो MSP को लेकर जो तमाम तरीके की बात हो रही थी, गारंटी की जो बात हो रही थी, उसको लेकर पीयूष गोयल ने ये बात तो साफ कर दी कि देखिए एक बहुत बड़ा प्लान है और इस प्लान को और इस पॉलिसी को बनाने में थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट की जो उन्होंने बात कही और साथ ही साथ कहा कि MSP पर खरीदा जाएगा उन फसलों को, चाहे कपास की बात कर लें, मक्के की बात कर लें या दालों की बात कर लें, ये तो उन्होंने बात रख दी है, एक प्रपोजल जो है वो किसानों के सामने रख दिया है। और जैसा मैंने कहा कि गेंद अब किसानों के पाले में है, किसानों को ये डिसाइड करना है कि सरकार का प्रपोजल उन्हें पसंद आएगा या नहीं और उसके बाद ही वो अपना अगला कदम उठाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन जोशी के साथ रविश बिष्ट, सारा समय के लिए चंडीगढ़ से।